देखेंगे कि ग्रुप को दो उपवर्गों में बांटा गया, सब ग्रुप में बांटा गया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। तो कारण था कि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में रखा, एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में रखा, ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन या नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको उपवर्ग ए में, सब ग्रुप ए में रखा, और सब ग्रुप बी में आपको रखा इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप लोग जब पूरे पीरियोडिक टेबल का ढांचा जब मिलेगा तो पता चलेगा कि जो डी ब्लॉक होता है मिडिल पोर्शन वाला, वो टोटल का टोटल बी सब ग्रुप का है, ठीक है। और बाएं और दाएं वाला जो भाग है वो ए सब ग्रुप का है, ठीक है। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, हालांकि तीन क्लास में जानते हो ना एस ब्लॉक पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए सब ग्रुप में रखा गया, और डी वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बी सब ग्रुप में रखा का है। तो टोटल का टोटल एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के हैं वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट से कैटेगरी से बिलोंग है, ठीक है ना। जिनका आउटर मोस्ट एज वेल एज पेनल्टी नेट ऑर्बिट आर वैकेंट, यानी वायतन कक्षा का जो ऑर्बिट है वो कक्षा का जो सेल ऑर्बिटल वो तो खाली ही रहेगा, कंप्लीट नहीं रहेगा, उसके जस्ट पहले वाली कक्षा भी क्या होगी इनकम्प्लीट। और मोस्टली डी ऑर्बिटल क्या होते हैं उसके इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है क्या, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। जब भी आप डी ब्लॉक बोलोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो याद रखेंगे हम लोग कि इन सब ग्रुप ए नॉन ट्रांजिशन, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का देख लेंगे तो एक एक पॉइंट आउट करते हुए इसका हम लोग नॉन ट्रांजिशन इन सब ग्रुप ए नॉन ट्रांजिशन और नॉर्मल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वेयर एज इन सब ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है। कह सकते हैं उपवर्ग ए में सामान्य तत्व, सामान्य तत्व या असंक्रमण तत्वों को रखा गया, जबकि उपवर्ग बी में संक्रमण तत्वों को रखा गया, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ पीरियड, स्टडी ऑफ पीरियड आवर्तों का अध्ययन, ठीक है। ग्रुप के बारे में तो हम लोग जान गए कि ग्रुप कितने होते हैं, नाइन, और नाइन में जीरो एंड एथ ग्रुप को क्या किया गया अलग रख के बाकी सभी ग्रुपों को क्या किया गया, सब डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, क्लियर। तो सब ग्रुप ए में किसको रखा गया, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या क्या नॉर्मल एलिमेंट्स को, जबकि सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया,
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ पीरियड। यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर डेटा लेंगे, पीरियड हो गया, उसके बाद हम लोग देख लेंगे मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद उस पीरियड का कुछ रिमार्क्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला पीरियड आपका एन बराबर क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट पीरियड, तो पहला मैजिक नंबर क्या है, टू, ठीक है। और टू होने का मतलब कि ईच मैजिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर पीरियड, यानी किसी खास आवर्त में तत्वों की संख्या को, उपस्थित संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। जिसे यानी फर्स्ट पीरियड के लिए मैजिक नंबर क्या लिया गया, दो, मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे, दो ही एलिमेंट होंगे। बात समझ में आया कि फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट, दो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, दो, मात्र दो एलिमेंट। तो इसको क्या कहेंगे, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट पीरियड, अति लघु आवर्त, ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड। दूसरा एन बराबर दो, एन इज द दो, टू, तो मैजिक नंबर क्या बनता है, एट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में कितने होंगे, एट हो जाएंगे, या आपका हो जाएगा शॉर्ट पीरियड, क्या हो जाएगा, तो शॉर्ट पीरियड। इफ एन इज द थ्री देन मैजिक नंबर विल बी एट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड आर कितना, एट, या हो जाएगा शॉर्ट पीरियड में होगा। फिर एन बराबर फोर लेंगे तो कितना आएगा, 18, कितना एलिमेंट्स, 18, ये हो जाएगा लॉन्ग पीरियड, क्या होगा, तो लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। एन बराबर फाइव, यानी एन इज द फाइव, देन मैजिक नंबर इज ऑल्सो कितना, 18, एंड इट मीन्स देयर आर 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड, इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इफ एन इज द सिक्स द नंबर ऑफ मैजिक नंबर विल बी 32, इट मीन्स देयर आर 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कितना, सिक्स पीरियड, क्लियर, कितना एलिमेंट सिक्स पीरियड में, 32, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड हो जाएगा, सबसे बड़ा पीरियड कौन होगा आपका, सिक्स पीरियड। एंड when n बराबर 7, it is incomplete, incomplete period, या आपका complete period नहीं होगा, ठीक है। देखिए मेरी जो कि 10th पढ़ के आए हैं, समस्थानिकों का स्थान, सबसे पहले जाने कि व्हाट इज आइसोटॉप, समस्थानिक क्या होता है, तो कह सकते हैं कि कुछ तत्वों का ऐसा समूह जिनका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तब उनको कहा जाता है समस्थानिक, ठीक है। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट आर कॉल्ड आइसोटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं कि मेंडलिक के पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का आधार है वो क्या है, एटॉमिक वेट है, ठीक है ना। और एलिमेंट्स और तत्वों को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ये आधार है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी तत्व का जो समस्थानिक है उसका
पोजीशन सेम नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर कार्बन का समस्थानिक जैसे C12, C13, C14, C15 वगैरह, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबका पोजीशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाना चाहिए ना। अगर इसको ग्रुप 4 A में रखा गया तो इसको 5A होना चाहिए, इसको 6A होना चाहिए, इसको 7A होना चाहिए। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बना मेंडेलीव का, उस समय कुछ दिनों के बाद ही आइसोटोप की खोज हुई थी, ठीक है ना। यानी जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजाया गया, मेंडेलीव ने अरेंज किया, उस समय तक आइसोटोप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आइसोटोप बाद में आया, तो इनको अगर रखा गया तो क्या देखा गया कि इनका कोई पोजीशन ही नहीं बन रहा। मान लेते हैं कार्बन का आइसोटोप मान लेते हैं ए है, तो इनका भी अलग अलग पोजीशन जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, इनको सेम पोजीशन दे दिया, जो ओरिजिनल एलिमेंट है उनका सेम पोजीशन उनके आइसोटोप्स को दे दिया, ठीक है, जो कि पीरियोडिक लॉ को वायलेट करता है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या है, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के क्रम में आपको एलिमेंट को सजाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि तत्व के समस्थानिकों को उसी के पोजीशन पर क्या किया गया, रख दिया गया। जैसे कार्बन है तो कार्बन के डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, तो कार्बन को ग्रुप कहाँ पर रखा गया, 4A में, तो सारी आइसोटॉप्स को कहाँ रख दिया गया, 4A में, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेम पोजीशन नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मेंडेलीव। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके अनुसार यह सही नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं दूसरा हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान कहेंगे कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट आर कॉल्ड आइसोटॉप, ठीक है ना। कहेंगे तत्वों कर सकते हैं वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। यानी वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उनको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, ठीक है ना। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट
आर प्लेस्ड सेम पोजिशन, सेम पोजिशन एज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी निम्नलिखित के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को, समस्थानिकों को तत्व के, को तत्व के समान स्थान दिया गया है, ठीक है ना, समान स्थान दिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic weight, increasing order of their atomic weight. Therefore, the position of isotope are not satisfied the periodic. Not satisfied the periodic law. But lekin यहाँ पर पीरियोडिक लॉ कहेंगे, पीरियोडिक लॉ, ठीक है, लेकिन मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, अतः समस्थानिकों का स्थान आवर्त नियम को संतुष्ट नहीं करता है, क्लियर, यस।
यानी लेकिन मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, अतः समस्थानिकों का स्थान आवर्त नियम को संतुष्ट नहीं करता है। क्लियर, लिखिए।